हेलो गाइस, तो आज हमने श्रीखंड की यात्रा शुरू कर दी है। ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ तक गाड़ी आती है, जहाँ से थोड़ा ही आधा एक किलोमीटर है यहाँ तक। अभी नया नया रोड ही बनाए, यहाँ तक एंड है, यहाँ तक ही गाड़ी आती है। फिर यहाँ से हम अपनी पैदल यात्रा शुरू कर रहे हैं, और ये है कुरपन खड। जो ये पानी है, ये श्रीखंड से आ रहा है, और यहाँ देखिए वादियाँ। फाइनली गाइज, हम पहुंच चुके हैं अपने पहले डेस्टिनेशन की ओर के पास। यहाँ पर भंडारा लगता है जब यात्रा प्रॉपरली शुरू होती है। ये भोलेनाथ हमारे, ये है सिंगार्ड। यात्रा सभी का अधिकार है, लेकिन जिम्मेदारी का भी ध्यान रखें। अब हम बराटी नाला क्रॉस करने वाले हैं आगे की। अब हम चढ़ेंगे सीधा यहाँ से डंडी चढ़ाई को, जो बिल्कुल डंडे की तरह सीधी है, तभी उसका नाम, इसका नाम डंडी चढ़ाई पड़ा। तो यहाँ पे पुल लगा है लकड़ी का। यहाँ देखिए पानी, पानी हमें इन्हीं पर्वतों से आता है। तो अगर इन पर्वतों में पेड़ होंगे तभी बर्फ़ आएगी, और अगर बर्फ़ आएगी तभी हमें पानी मिलेगा। तो इसलिए मेरा सभी से कहना है कि वन बचाओ और पेड़ लगाओ, ना वनों को काटो और ना अगर काट भी रहे हो तो नए लगाओ और उसका केयर करके लगाओ। देखिए पानी हमें इन्हीं पर्वतों से मिलता है, तो हमारी जो बेसिक नीड है वो पानी है। तो यहाँ देखिए पुल, लकड़ी का बना पुल है, काफ़ी पुराना है। यहाँ देखिए ये पानी इस वाले पर्वत से आ रहा है, इट मीन्स श्रीखंड से आ रहा है बर्फ़ का पानी। तो देख लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई, ओम नमः शिवाय श्रीखंड महादेव बराटी स्थल के समुद्र तल। अभी हम 2300 मीटर की ऊंचाई में हैं समुद्र तल से। ब्रास नामक पेड़ काफ़ी पाए जाते हैं, ब्रास का पेड़ यहाँ पर काफ़ी पाए जाते हैं नदी के ऊपर। यह डंडी चढ़ाई है, बिल्कुल ये सीधी चढ़नी हमें। तो शुरू करते हैं अपनी इस थर्ड डेस्टिनेशन की चढ़ाई को। यह हमारी मेन चढ़ाई है श्रीखंड यात्रा की। तो मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन पे, तब तक बने रहें ब्लॉग। तो आज हमने भिंडवारी रुकना है, देखिए आगे आगे बहुत पीछे। चलिए मिलते हैं अब काली टॉप में। देखिए कैसी पीछे बंदे हमारे, कल थोड़ा पीछे रह गया था इनसे, आज फुल पावर मिल चुके हैं। देखिए बिल्कुल नजारा, अब मिलते हैं आपको सीधा काली टॉप में। ये पहुंच चुके हैं हम काली टॉप, और आगे मैं आपको दिखा दूं तो हमें हो चुके हैं भोलेनाथ के दर्शन। यहाँ देखिए बिल्कुल आपको भोलेनाथ की शिवलिंग दिख रही होगी, पार्वती माता और जय गणेश भी साथ में हैं, और इसके पीछे को हैं कार्तिक भगवान। तो देख लीजिए हमें सुबह सुबह हमारी आज की फर्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो है हमारा काली टॉप। देखिए यहाँ से यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं सिराजी भाई, क्या बोल रहे हैं आप बोलिए। अच्छा देखिए काली टॉप, यहाँ से आए थे हम अभी, और नीचे नीचे बिल्कुल इस नाले होके यहाँ से हमने थोड़ी बहुत चढ़ाई चढ़ी, और अब आगे देखिए सामने हम कुंचा जाएंगे, और ये आ गया हमारा पहला ग्लेशियर, इसको हमने अभी पार करना है। हर हर महादेव।
देखिए आगे हमारे क्रू मेंबर, ये है पहला ग्लेशियर, देख लीजिए बर्फ के नीचे पानी, उसको पहला ग्लेशियर मिला है अभी हमें अपने ट्रैक में। और बस थोड़ी ही दूरी पे हैं हम, मैं आपको अभी ढंग से दिखाऊंगा ग्लेशियर पे कैसे ट्रैक करते हैं। तो बने रहे हमारे ब्लॉग में आप, काफ़ी अच्छा रास्ता, थोड़े से ग्लेशियर पे सुबह के चलना है। और ये यहाँ देखिए हमारे फोटो के लिए, फोटो लूँ, पहला कदम डाल दिया ऐसी राजी ने। और पारस हमारे किसी राजू भाई, यहाँ देखिए कितना मोटा ग्लेशियर है, ऐसे लग जाता पता है इसके नीचे से पानी जा रहा है और नीचे निकल रहा है। तो यहाँ देखिए, तो आप देख लीजिए ये है हमारा ट्रैकिंग का पहला ग्लेशियर। और ये यशु भाई थोड़ा सा डर रहे हैं, चलिए फिर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर गिर भी गए तो यहीं पर नीचे टिक सकते हैं हम। हाँ जी, तो यहाँ देखिए ऊपर से पानी ग्लेशियर के अंदर जा रहा है और नीचे निकल, देखिए व्यू ग्लेशियर का और ये बर्फ, ये 4-5 फुट हो सकती है नीचे कोई तरफ, लेकिन बहुत। चलिए चलिए सर और हमारे सिराजी ब्रो आगे ग्लेशियर पे ही बैठ गए हैं, ठंड की तो नीचे मिलेंगे मैं दाम। देखिए चलो चलो आगे बाबा, यहाँ देखिए घंटा फोटो आएंगे हमारा ग्लेशियर ऊपर आएंगे। देखिए यहाँ पे अगर फिसल गए तो सीधा नीचे जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा यहाँ से। और देखिए ऊपर कहाँ से है, काफ़ी काफ़ी यात्री जा छोटा सा। तो अब ये हमारा मे भी आज का लास्ट ग्लेशियर हो सकता है, आखिरी। तो अब इसके ऊपर से चढ़ना है, देखिए। और ये यहाँ देखिए गाइस, यहाँ देखिए कितना बड़ा ग्लेशियर है, पानी जा रहा है और नीचे देखिए कहाँ निकल रहा है। और ऊपर से अब देखेंगे तो गाइस ऊपर से देखिए, ऊपर से आ रहा ऊपर छोटा सा ग्लेशियर, फिर पानी अंदर आ रहा है बर्फ़ के अंदर, और फिर देखिए यहाँ थोड़ा सा निकल चुका है और यहाँ। तो अब हम गाइस, तो वी रीच आवर टुडे डेस्टिनेशन। तो हम आज के जो डेस्टिनेशन है हमारी भीमद्वार, हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ देखिए हमारे क्रू मेंबर काफ़ी संता, और यहाँ देखिए टेंट आपको दिख रहे होंगे, अभी थोड़े कम हैं क्योंकि अभी प्रॉपर यात्रा नहीं हुई है शुरू। तो हम अपनी आज के दिन की डेस्टिनेशन में लगभग पहुँच चुके हैं, आज का जो नाइट स्टे रहेगा वो हमारा यही रहेगा, कल हमें जाना है वो देखिए ऊपर टॉप। अभी हमें भोले बाबा के दर्शन नहीं हो रहे, मैंने आपको पीछे दिखाया था, पीछे वाली चोटी से अभी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जो ये वाली चोटी है, ये वाली, इसके बिल्कुल पीछे हैं हमारे भोले बाबा। तो कल सुबह 9 से 10 बजे के करीब हमारे, हे गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज हमारी तीसरे दिन की सुबह हम निकल चुके हैं भीमद्वार से श्रीखंड की ओर। यहाँ देखिए आगे झरना और पहला ही ग्लेशियर सुबह सुबह हमें मिल चुका है पार करने को। यहाँ देखिए आगे आगे बीच में थोड़ा सा खुला है ग्लेशियर और फिर से ग्लेशियर पर है। और यहाँ देखिए ऊपर, ये ऊपर वाला ग्लेशियर हमें पार करना है। यहाँ देखिए हमारे साथी गण, हेलो गाइस, तो हम पहुँच चुके हैं पार्वती बाग, और यहाँ है काली माता, और ये है पूरा पार्वती बाग, और ऊपर एंड में है नैन सरोवर। इस रास्ते से हम नहीं जाएंगे, हमें जाना है इस रास्ते में, और सामने आपको दिख रहे होंगे भोले शंकर। सुबह सुबह ही हमारे को आज दर्शन हो गए भोले शंकर के, देखिए श्रीखंड महादेव भोले शंकर के सुबह सुबह ही दर्शन हो गए। तो ये रास्ता है, ये जो गली है, यहाँ देखिए ऊपर जा रहे हैं यात्रीगण, हमें भी इस
इधर होके ही जाना है। तो देखिए कितना बिल्कुल भाई, यहाँ देखिए वो कितने सारे यात्रीगण आए हैं। यहाँ देखिए कितना सुंदर व्यू है। यहाँ देखिए यात्रीगण सभी, व्यू काफी सुंदर। और ऊपर देखिए पार्वती बाग। और ये हम आगे ऊपर यात्रा शुरू कर लिए, देखते हैं आगे आगे कैसा रास्ता मिलता है हमें। यहाँ देखिए आसान लग रहा है अभी। यहाँ देखिए बारी भाई आसान है। यस दिखाओ एक बार भक्तों को, कितना आसान है। अब आगे आगे लगेगा पता कि कितना आसान है। सिर्फ नीचे आने का रास्ता दिख रहा है, ऊपर जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। बट कोई बात नहीं, ऊपर तक तो हम चलेंगे ही, बाकी देखते हैं वहाँ से आगे कैसा रहता है हमारा रास्ता। बम बोले चलो चलो चलो, कोई चक्कर नहीं, आराम से चलो चलो चलो। हिम्मत रखनी होगी तभी जाके पहुंच पाएंगे, वरना मुश्किल है थोड़ा सा। ऊपर नहीं है बर्फ, ऊपर तक ही है बर्फ। ऊपर मिलेगी मार्को। एक पैच हमने पार कर लिया है, पीछे से हमारे यात्रीगण आ रहे हैं और काफी आसानी और आराम से हमने ये पैच पार कर लिया है। यहाँ देखिए गाइस, नीचे से हमने शुरू किया था चढ़ना और यहाँ तक भोले ने हमारा साथ दिया और पूरा पैच हमने आसानी से पार कर लिया। गाइस तो देखिए हम कहाँ पर हैं और हमारे साथ यात्रीगण ऊपर जा चुके हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखिए सियाजी भाई। सियाजी भाई ने नाली तैयार कर दी है और पानी भर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों में बर्फ से पानी पिघलता है और बहुत मुश्किल होता है ऐसी नाली बनाना। तो देखिए बिल्कुल सबसे बढ़िया शुद्ध, यहाँ देखिए। हाँ जी हाँ जी, पारस है बिल्कुल। और यहाँ देखिए ये देसी जुगाड़, देसी बेर थे। देखिए ये दो ऊपर अपने लगे हैं, हम यहाँ लगा लो चश्मा जी। चलो यहाँ लगाना ना पापा जी। बस ये भाई जी हमारे पूरा क्रू मेंबर दिल्ली से, तो काफी असली चढ़ाई तो इन्होंने चढ़ ली है, बस थोड़ा सा रह गए हम। बोले शंकर यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ यहाँ पे लगाओ, ये वाला लगाओ यहाँ पे फिर। टेढ़ा लगाना ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे चलो चलो चलो, नहीं नहीं क्रॉस, हाँ ऐसे 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 चलो। चलो चलो हाँ ऐसे बनाओ और चलो फिर। चलो चलो चलो, ज्यादा गड्ढे बनाने की जरूरत नहीं, फिर चलते चलते हो जाता है। चलो चलो हाँ यहाँ लगाओ। देखिए गाइस तो बर्फ के ऊपर काफी मुश्किल होता है, क्योंकि थोड़ा फिसल सकते हैं, ज्यादा नहीं। आप मेरे पीछे आओ, मैं जान लगाऊंगा ना पापा, मान लगाना आप, ठीक है फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको, आपके तो जूते भी अच्छे हैं। तो गाइस ये है चलने का, थोड़ा सा टेढ़ा लगाना है पाँव ऐसे, आगे वाला जो टू है ना यही लगाना है। गाइस तो देखिए यहाँ से हम बर्फ के बीच चल के आ रहे हैं और यहाँ हमारे दिल्ली के बड़े भैया लोग और आगे हमारे सिराजी भाई पारी भाई रास्ता बनाते हुए इनके लिए, और अब हम चल रहे हैं। तो मैं लास्ट में इनके बैकअप के लिए रहा हूँ ताकि हीरिंग है ना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमें बर्फ के बीच चलने की आदत तो है, क्योंकि तभी हम इनकी हेल्प कर रहे हैं। तो देखिए गाइस ऐसा रास्ता बनाना होता है, ऐसे टेढ़ा पांव लगाना है तभी गिरेंगे नहीं।
तो मैं इनके एक बैकअप के लिए रहा हूँ। यहाँ देखिए इन्होंने डमरू स्पेशल। जय जय एक्सपीरियंस कैसा रहा भाई जी आपका? आपका एक्सपीरियंस कैसा भाई जी? बढ़िया। चलो 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 इमांचु पकड़ भाई जी आप। यहाँ देखिए आगे हमें इनको पार कराना है पार तक, तो आओ 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 जल्दी आओ। नहीं फिर हाथ पकड़ाना इनका, फिर लेट हो जाएगा। चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये हमें इनको पार करना है क्योंकि यहाँ पर देखिए बर्फ। नो 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 नहीं ऊपर लगा पाओ ऊपर ऊपर। हाँ ऊपर हाँ यस यस मेरे पाँव के पास। आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ भाई जी। फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत शानदार बहुत शानदार। जय शंकर आ जाइए आ जाइए। ऊपर ऊपर लगाया ना पाँव? ऊपर ऊपर हाँ यहाँ ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ जी भाई जी ऊपर ऊपर। बर्फ देखिए बर्फ के ऊपर ही है और यहाँ से आगे पार करा रहे हैं ये हमारी रेलगाड़ी के पास। चलिए आगे आगे आओ 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 जल्दी जल्दी आओ आगे आगे। नहीं आगे लगा पाऊँ? आगे लगाओ आप भाई जी। हाँ यस 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 चलिए 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 चलो चलो नहीं आना पड़ेगा मैं बताता हूँ आपको कैसे जाना। आओ 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 भाई जी आप तो आ जाएंगे ना। रास्ता बना बना आवाओ रास्ता बना बना। यहाँ देखिए हमारी ट्रेन चलने वाली है और ये जा चुकी है ट्रेन। वाह 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 वाह। चलिए चलिए गाइस गाइस थोड़ी सी स्पीड बन गई है इनकी तो मैं थोड़ा सा स्लो हूँ क्योंकि मैं बोले शंकर ब्रेक 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 मारते रहो ब्रेक ट्रेन हमारी बिल्कुल ब्रेक मारो रोक दो पांव लगाओ पांव लगा पांव बोले शंकर बोले शंकर की जय। और ओ सारे ओ क्या बोले ये यस मत मार ब्रेक ना ले हवा में हवा में हवा में हवा में हवा में भाई हवा में तो चल लो वो चल लो वो चल लो गुल्ला चलो 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 भाई बस गए हैं क्या करते हैं अब निकालते हैं इनको।